नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। आप चैनल देख रहे हैं न्यू गैजेट्स, और मैं आज करने वाला हूँ सैमसंग ऑन 8 की अनबॉक्सिंग। तो मैंने फाइनली ये फ्लिपकार्ट से ऑन 8 मंगा लिया है। तो हम इसका, इस फोन का सबको बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी बेसब्री से बहुत इसका इंतजार था। तो हम इसके करेंगे आज अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसका आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले इसका बॉक्स आपको फ्रंट लुक में ऐसा कुछ इसका बॉक्स दिखाई देता है। बैक साइड की अगर हम लुक की बात करें बॉक्स की, तो इसमें आपको मिलती है 3 GB की रैम आपको इसमें मिलेगी, जिसमें मेंशन है। आपको प्रोसेसर मिलता है 1.6 GHz का ऑक्टाकोर आपको प्रोसेसर मिलेगा इसके अंदर। फ्रंट में आपको LED फ्लैश मिलेगा, लाइक जो कि हमें J सीरीज में मिलती है, J5, J7, J76 आपको इन तीनों फोन मिलता है। यहाँ भी ऑन 8 में भी आपको फ्रंट LED फ्लैश मिल रहा है। आपको मिलेगा 4G LTE कैटेगरी के साथ में। इसका 139.5 mm फुल HD सुपर AMOLED इसका डिस्प्ले है। लाइक इसका अगर डिस्प्ले इंचेस की अगर हम बात करें, तो आपको 5.5 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है फुल HD सुपर AMOLED के साथ में। 13 MP का बैक कैम है और 5 MP आपको इसमें फ्रंट कैम मिलेगा। 3 GB रैम, 16 GB फोन की इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगी। ये डुअल सिम आपको मिलेगा, प्लस SD कार्ड अप टू 128 GB सपोर्ट करता है ये फोन। प्लस इसमें बैटरी की हम बात करते हैं, 3300 mAh बैटरी है। खूब बैटरी बैकअप मतलब बहुत अच्छा आएगा इसका। इसमें डुअल सिम प्लस आपको नॉक्स इसमें फीचर मिलता है इसके अंदर। तो इस पे बाकी हम इस पे देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। मेक फॉर इंडिया, इसके अलावा माई गैलेक्सी आपको एप्लीकेशन प्रीलोडेड मिलेगी। वोल्टी वॉइस ओवर LTE आपको फोन मिलेगा। अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड, आपका फोन आपका डेटा जो है अप टू 50% डेटा सेव करेगा। तो इसके अलावा हम इसमें देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। जो इसका प्राइस MRP है वो है 16,900 रुपए। September 2016 की इसकी पैकिंग है। इसमें क्या मेंशन है बॉक्स के अंदर, इनबिल्ट क्या है बॉक्स के अंदर। आपको एक मोबाइल फोन मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी, एक ट्रैवल अडेप्टर, 1 डेटा केबल, 1 स्टीरियो हैंडसेट। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स कर देते हैं, मुझे इसका बहुत इंतजार है। मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ जल्दी से। ये देखिए, मैंने कटर से इसको काट दिया है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये फोन इसमें निकला है। सबसे ऊपर फोन है इसका। हम लुक देखते हैं कैसा इसको लुक मिलता है इसका। तो दोस्तों, ऐसा कुछ इसमें लुक मिलता है। मैंने इसमें गोल्ड कलर का फोन मंगाया है मेरे लिए। इसका बैक साइड से अगर उस लुक देखते हैं, तो हम ऐसा कुछ लुक मिलता है इसका। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये मेटल बॉडी में है, बट ये मेटल बॉडी नहीं है इसका। अगर हम इसको रैपर हटा के देखते हैं इसका कैसा दिखता है आपको। मैंने इसका रैपर हटा दिया है। इस पे ब्रश फिनिश जैसा कुछ लग रहा है, इस पे लाइक ब्रश फिनिशिंग की हुई है। और ये जो क्रोम यूज की गई, मेटलिक क्रोम इसमें यूज की गई, जो कि J76 में भी आपको मेटलिक क्रोम मिल रही थी। तो हम इसका रैपर हटा के इसको जल्दी से ऑन कर देते हैं। ये इसका कुछ लुक इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या बॉक्स में अवेलेबल है। बॉक्स में इसके अलावा एक आपको मिलती है मैनुअल बुक, जो कि हम आराम से इसको बैठ के पढ़ेंगे। इसमें आपको दोस्तों चार्जर मिलता है, 5 वोल्ट का आपको इसमें चार्जर मिलेगा। 0.3 एम्पियर इस पे लिखा हुआ है, 5 वोल्ट 0.3 एम्पियर। ये आपको जिस तरीके से कुछ चार्जर मिलता है। ये आपको एक मिलती है इसमें नॉर्मल ईयरफोन, इसको हम रखते हैं साइड में। इसमें आपको मिलती है एक डेटा केबल इस तरीके से। बैटरी मिलती है आपको 3300 mAh की, जो कि हमने बार पढ़ा था, देखिए है या नहीं है। हम इसको ओपन कर देते हैं जल्दी से बैटरी को। इस पे देखिए मेंशन होगा बैटरी 33 mAh। ये देखिए बैटरी मेंशन है 3300 mAh। तो हम इसको जल्दी से इसको रिमूव, इसका बैक पैनल ओपन करके हम इसको ऑन कर देते हैं फोन को बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने इस बैटरी को इंसर्ट किया। दोस्तों, यहाँ पे आपकी फर्स्ट सिम, सेकंड सिम, मेमोरी कार्ड आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा। ऑलमोस्ट जो इसका है J76 जैसा इसका डिजाइन दिया है, बैक साइड के, बैक साइड से भी, अंदर से भी इसका J76 जैसा डिजाइन दिया है सेम। तो हम इसको चलिए ऑन कर देते हैं। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 पावर्ड बाय एंड्रॉइड। दोस्तों, ये वेट में बहुत लाइट वेट फोन है। ऐसा लग रहा है कि J76 से भी लाइट है शायद ये। चलिए, ये ऑन हो रहा है सैमसंग। ये देखिए ऑन हो गया है। हम इसको इसको स्टार्ट कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। आपको जिस तरीके से इसमें ऑन करना हो आप कर सकते हैं सेटअप। लाइक मैं इसको अभी तो फिलहाल वैसे ही नॉर्मल कस्टमाइज कर देता हूँ।
आई एग्री कर देता हूँ इस पे मैं, ये नेक्स्ट 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 देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ आपको इसमें मिलता है। इसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस ये देखिए, कॉपी कंटेंट फ्रॉम ऑल डिवाइस, इसमें स्मार्ट स्विच प्रीलोडेड है। आपको अगर पुराने फोन से डेटा आपको लेना हो तो आप इजीली इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं इसको बाद में करूंगा मेरे फोन में ट्रांसफर। इसको हम देखते हैं इसके में सेटिंग में क्या क्या अवेलेबल है, इसकी जो फोन की जो सेटिंग है। इसमें अबाउट फोन में हम जाके देखते हैं इसमें वर्जन कौन सा है, क्योंकि इसमें वर्जन नहीं लिखा हुआ था, एंड्रॉइड वर्जन। ये देखिए डिवाइस नेम ऑन इट, मॉडल नंबर जो है इसका SM-J710FN है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। इसमें मिलता है आपको 6.0.1 एंड्रॉइड वर्जन मार्शमेलो। तो हम इसमें देखते हैं ये है मार्शमेलो इसका वर्जन। तो इसके अलावा हम देखते हैं इसमें क्या मिलता है, ये देखिए इस चीज का पूरा नॉक्स वर्जन सारे इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में। इस तरीके से दोस्तों आपको कुछ इसमें फोन मिलता है। आपको इंटरनल मेमोरी हम देखते हैं इसमें कितना आपको मिलता है, 16 GB इंटरनल मेमोरी यूजेबल आपको कितना मिलता है। तो हम देखते हैं आपको मिलता है स्टोरेज में, हम ये देखिए स्टोरेज अलाउ करना पड़ेगा इसको, ये इसका स्टोरेज है। आपको अप्रॉक्स जो है 5.6 GB इसका यूज्ड है, मतलब इसमें फोन में 5.6 GB यूज है। आपको जो फ्री स्पेस मिलेगा 10.3 GB आपको फ्री मिलेगा। डिटेल देखते हैं हम इसमें क्या क्या यूज है। टोटल स्पेस 16 GB अवेलेबल, 2.36 GB सिस्टम मेमोरी, 5 GB 5.01, मतलब आपका जो सिस्टम मेमोरी है 5.01 GB इसमें यूज करेगा। इसके अलावा यूज स्पेस ये आपको लिखा हुआ है, अदर इसमें क्या क्या यूज हुआ है। जी हाँ, इसमें अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा फोटोज, मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। सेटिंग ये देखिए दोस्तों, इसका जो कैमरा है कुछ इस तरीके से मिलता है, काफी अच्छा कैमरा मिल रहा है इसमें, 13 MP बैक कैम, और इसका रेजोल्यूशन भी फुल HD है। लाइक J76 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको HD रेजोल्यूशन मिलता है। इसके अगर हम ये फोटो जो है अगर इसी फोन में देखते हैं तो कितना क्लियर दिखाई देता है, देखिए ये देखिए, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसका मैं रोटेशन बंद कर देता हूँ एक बार, और हम एक बार सही से एक बार जूम करके देखते हैं हम इसको फिर से। ये देखिए कितना इसका क्लियर दिखाई, जो मैंने बाकी फोटोज कैप्चर की थी वो भी हम एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। ये देखिए जी हाँ दोस्तों, इसका कैमरा बहुत अच्छा है रियल में, और इसका आपको फ्रंट में LED फ्लैश भी मिल रहा है 5 MP कैमरे के साथ में। लाइक आप नाइट सेल्फी भी आप इसमें इजीली ले पाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें फोन के अंदर और क्या क्या एप्लीकेशन प्रीलोडेड अवेलेबल हैं। तो इसमें कुछ आपको फोल्डर्स मिल रहे हैं, लाइक सैमसंग का फोल्डर है, इसमें आपको मिलता है माई फाइल्स, वॉइस रिकॉर्डर, ईमेल, इंटरनेट, ब्राउजर, SL, गैलेक्सी एप्स, रेडियो, सिक्योर फोल्डर। जी दोस्तों, इस सिक्योर फोल्डर जो है बिल्कुल नया है, इसमें आपको मिलता है आप अपनी अपने फोल्डर को सिक्योर करके इसमें आप मूव कर सकते हो। इसमें जस्ट एक आईडी आपको शायद मेरे हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप इसमें अपना डेटा जो है सिक्योर करके रख सकते हो। तो ये है दोस्तों इसके अंदर। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट, प्ले स्टोर, फोन, मैसेजेस, कैमरा, गैलरी, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स, एस प्लानर। तो ये सारा आपको नॉर्मल मिलता है इसके अंदर, जो कि पुराने फोन्स मतलब जो कि जे सीरीज फोन्स में भी आते थे, और अभी सारे फोन्स में ऑलमोस्ट ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना ना भूले, और किसी को आपको फ्रेंड्स को दिखाना है तो आप इसको शेयर करना ना भूले, और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, क्योंकि आपको हमें हमारे चैनल में इसी तरह की अनबॉक्सिंग रिव्यू, गेमिंग रिव्यू आपको मिलते रहेंगे। और इसका हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे ऑन 8 के साथ में J76 और J7 प्राइम का कंपैरिजन, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियोज अनबॉक्सिंग गेमिंग रिव्यू कंपैरिजन आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।